वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा करवाने के लिए भजनलाल सरकार द्वारा चलाई गई निशुल्क वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 का शुभारंभ हुआ। तीर्थ यात्रा पर जा रहे वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी वरिष्ठ जनों का मैं अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का सरकार पुण्य दे रही है। जीवन में तीर्थों का बहुत बड़ा महत्व है। रामेश्वर के दर्शन सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने तीर्थों का विकास कर उनको विशेष पहचान दी है। राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों के लिए विशेष बजट दिया है। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा की मनोकामना को सरकार पूर्ण कर रही है। सभी को रिटायरमेंट के बाद तीर्थ जाने का विचार आता है, क्योंकि जिंदगी भर तो परिवार को पालने में लग जाता है, समाज की सेवा में, समाज के उत्कृष्ट कार्यों में अपना जीवन लग जाता है, और जब तीर्थ यात्रा जाने का भाव मन में आता है तब सब कुछ तो चले जाते हैं। लेकिन कई हमारे बुजुर्ग माता पिता नहीं जा पाते हैं, लेकिन मन तो सभी का होता है कि अपनी संस्कृति को देखे। वहीं बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, क्योंकि साधन नहीं है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास साधन तो है, लेकिन उनके बच्चों के पास तीर्थ यात्रा करवाने का समय नहीं है। तीर्थ यात्राओं में अधिक बाधा दूर करने और धार्मिक भावनाओं के सम्मान में यह कदम ऐतिहासिक सिद्ध हो रहा है। आज हमने इस गाड़ी को रवाना किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर बुजुर्ग के मन में तीर्थ करने की इच्छा होती है, और हमारी सरकार ने ये वायदा किया था कि हम राजस्थान के 36,000 ऐसे उन सभी बुजुर्गों माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएंगे। आज हमारी ये पहली ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई है। मैं आपके माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, और आगे भी लगातार ये यात्राएं जारी रहेंगी। जैसा मैंने कहा कि सबके मन में जो कल्पना होती है, हमारी सरकार उन सभी ऐसे तीर्थ यात्राओं यात्रियों को यात्रा कराने का काम करेगी। हमारे देवस्थान विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम आज किया है। निश्चित रूप से विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। 15 तीर्थ स्थलों की जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, रामेश्वर और मदुरई, तिरुपति, द्वारका और सोमनाथ, वैष्णो देवी अमृतसर, प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन बरसाला, समद शेखर पावापुरी वैद्यनाथ, उज्जैन ओंकारेश्वर और त्रिंबकेश्वर, गंगा सागर कलकत्ता, कामाख्या देवी आसाम, हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या, मथुरा अयोध्या, बिहार शरीफ, वेलकानी चर्च तमिलनाडु, तीर्थ स्थलों की यात्रा हवाई यात्रा तीर्थ स्थल रेल द्वारा यात्रा करवाएंगे।